प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते नर्मदा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते जल स्तर के चलते बड़वानी में प्रशासन ने हाई अलर्ट कर दिया है। नर्मदा का पानी राजघाट पहुंच गया है। एसडीएम और एडीएम ने राजघाट पहुंचकर वहां से लोगों को हटाया। दोनों राज्यों में पिछले 3 दिनों से बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते प्रशासन ने अब डूब क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हटाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते एडीएम रेखा राठौड़ व एसडीएम अभय ओहरिया राजघाट पहुंचे और लोगों को हटाना शुरू किया। यहाँ तक कि वह खुद भी लोगों का सामान उठाकर ट्रॉली में भरते दिखाई दिए। आपको बता दें कि डूब क्षेत्रों के लोग आज भी वही बसे हुए हैं और अब प्रशासन उन क्षेत्रों से लोगों को तेजी से हटाने के काम में जुट गया है। राजघाट के बाद बीजासन पिछोड़ी के लोगों को भी सुरक्षित जगह प्रशासन द्वारा बनाए गए टीन शेडों में पहुंचाया जा रहा है। वहीं ओंकारेश्वर डैम से भी जल्द ही पानी छोड़े जाने की संभावनाएं बढ़ रही है। वर्तमान में नर्मदा का जल स्तर 128 मीटर है। कलेक्टर अमित तोमर के अनुसार डूब क्षेत्रों को देखते हुए सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर ली गई है। उनके लिए अस्थायी शेड बने हुए हैं। प्रभावितों के लिए वाहन व्यवस्था की गई है। पर्याप्त पुलिस व्यवस्था है। हर गांव के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं व किसी भी आपदा से निपटने के लिए टीमें भी तैनात हैं। जो गांव प्रभावित होंगे उनकी वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। 5 अस्थायी शेड बने हुए हैं, 5 जगहों पर अस्थायी शेड बने हुए हैं। वहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, विद्युत की व्यवस्था है, शौचालय बने हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। और यदि किसी का कोई वैकल्पिक स्थान है तो उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए वाहन की व्यवस्था की गई है। हर गांव के लिए नोडल अधिकारी बना हुआ है, पुलिस फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। सर, नर्मदा का जलस्तर वर्तमान में कितना है सर, उसको बढ़ने की संभावना कितनी है? देखिए, आज सुबह जो है सरदार सरोवर डैम का जो जलस्तर था वो 128.40 था और अभी फिलहाल में राजघाट का जो लेवल है वो 128.90 है। अब कितना बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन यदि बढ़ेगा तो हम सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करके हम लोग इसको सुनिश्चित कर चुके हैं और कहीं कोई असुविधा किसी को नहीं मिलेगा। एनडीआरएफ की टीम किस तरह लगी हुई है? एनडीआरएफ की टीम हमारे पास आई हुई है, उनको हम लोगों ने एरिया विजिट करा दिया है, जहाँ उनकी आवश्यकता होगी उनको हम लोग विजिट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।